सो गाइस आ जाओ। आई थिंक हर एक बच्चा यहाँ पे साथ में है ना। 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हमारा चल रहा था। आप सभी को अगर याद आ रहा है तो प्लीज़ पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ ध्यान देना बेटा, है ना। चलो मुन्ना आ जाओ। सो हमने अब तक क्या क्या देख लिया, आप सभी को याद आ रही है बेटा सारी चीज़ें? बाप रे, ऐसा लगता है कल ही की बात है हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंट स्टार्ट किया था। बिजनेस में कौन कौन से कैटेगरी के बिजनेस आते हैं जनरली वो देख लिया था। बिजनेस के अंदर में बेसिकली फिनेंशियल ट्रांजेक्शन ही वो सिनारियो है, वो इवेंट है जहां पे ट्रिगर होता है कि हमें अब अकाउंटिंग स्टार्ट करना है। फिनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड कुछ एक्सचेंज हो रहा है। लेमन्स लैंग्वेज में अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब रखना। ज़रूरत हमने पढ़ ली थी, वाई ऑब्जेक्टिव नीड, वाई वाई नीड, काफ़ी सारी बेसिक टर्म्स देखी थी, यस और नो। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म थी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डोंट वरी, अगर ये टर्म नहीं समझा होगा तो भी आगे वापस आने वाला है, क्लियर। उसके बाद हमने देखा था, प्लीज़ ध्यान देना बेटा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, उसके बाद हमने देख लिया था एक सिंपल सा एग्जाम्पल, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग देखा था, जिसमें मैंने आपको बता दिया था डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट कम होते हैं क्रेडिट करो। दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस है वो बढ़ता है तो क्रेडिट करो, अपोजिट कम हो रहा है तो डेबिट करो। और कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिए थे कौन कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है और कौन कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। याद आ रहा है सभी को? पक्की बात, डन। चलो आगे। उसके बाद एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया था जिसकी हमने सारी की सारी एंट्रीज कर ली थी। देखो 9 ट्रांजेक्शन थे, नींबू पानी लेमोनेड बेचने का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था, नींबू पानी का बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसके अंदर में मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे एंट्रीज के। और हमने क्या किया था बेटा, यहाँ पे सिंपल 3 स्टेप बताए थे। दुनिया की कोई भी ट्रांजेक्शन रहने दो, एंट्रीज कैसे पास करना है बस आपने 3 स्टेप फॉलो करना है, बस आपने 3 स्टेप फॉलो करना है। स्टेप नंबर वन, अच्छे से ध्यान देना बेटा, स्टेप नंबर वन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर वन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट, स्टेप नंबर टू क्लासिफिकेशन, डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। जो फर्स्ट स्टेप में आपने अकाउंट आइडेंटिफाई किया ना, फर्स्ट स्टेप वाले अकाउंट्स जो आपने आइडेंटिफाई किए इनका बैलेंस कौन सा है, फर्स्ट स्टेप में जो अकाउंट्स आइडेंटिफाई किया इनका बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट है। और थर्ड स्टेप अप्लाई द रूल, रूल क्या है, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजेक्शन से, और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना है, बढ़ना है कम होना बिजनेस के, यस और नो। इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली थी। यहाँ तक किसी भी बच्चे को अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ एक बार पहले पूछो, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट एनी बडी, सिंपल है। चलो आगे, पक्का डन। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, सो आज आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है अकाउंट का, बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। ध्यान देना बेटे सभी ने। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया, जैसे मैंने अभी बताया था, अच्छे से ध्यान देना बेटा। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने बच्चे हैं उन सभी बच्चों को एटलीस्ट ये वाली चीज़ समझ में आ गई है ना। एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स की अगर बात करूँ तो इतनी बातें समझ में आ गई है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उन ट्रांजेक्शन्स को हमें सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना है विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और डेबिट क्रेडिट का रूल क्या है,
दुनिया के सारे अकाउंट्स को हमने क्लासिफाई कर दिया पांच और उसके अपोजिट पांच कैटेगरीज में, एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन। बोल मेरे साथ साथ ए मुन्ना, पट 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 बोल। हाँ, एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन, एसेट के अपोजिट लायबिलिटी, ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन। और इन सबका एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस इनका डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, इनका डेबिट बैलेंस है, डेबिट DEBIT डेबिट बिल्ली का भी डेबिट बैलेंस, एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस ADDEL एडेल 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 ADDEL एडेल का डेबिट बैलेंस है। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं डेबिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं, कम होते क्रेडिट करो। एंड लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम एंड गेन, इनका क्रेडिट बैलेंस है सी क्रेडिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं क्रेडिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं, कम होते डेबिट करो। और ये बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से, और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के। सर इसका मतलब क्या हुआ बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू, अरे बाबा जैसे हमने कार खरीदा पैसे दिए, तो जिससे कार खरीदा उसको पैसे दे दिए तो उसके पास पैसे बढ़ गए, हमारे जेब से कैश कम हो गई, तो किसका पॉइंट ऑफ व्यू देखना, उसका कि बिजनेस का। हमारा बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू उसका नहीं। जब भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तब आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, जिस बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में आप एंट्री कर रहे हो, जिस बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में आप एंट्री कर रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, और किसी थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। क्लियर, पक्का, डन, चलो आगे। ओके, वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी अदर थर्ड पर्सन। क्लियर है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं, सो ध्यान देना। सो इतनी चीजें तो समझ में आ गई है कि भैया बिजनेस के रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी व्यवहार हो रहे हैं उन सारे ट्रांजेक्शन्स को हमें रिकॉर्ड करना है, उन सारे ट्रांजेक्शन्स को हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बरोबर, आज मैं आप लोगों को किस फॉर्मेट में जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं वो फॉर्मेट बताने वाला हूँ, किस फॉर्मेट में जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं वो फॉर्मेट बताने वाला हूँ। क्लियर, आ जाओ, मिस मत करना, इसी के भरोसे आगे अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, बार बार बोल रहा हूँ। सो ये ट्रांजेक्शन्स हमने रिकॉर्ड कर दिए थे, ये तो आपको याद है, ये पिछले लेक्चर में लिया थे ना क्वेश्चन, ये देखो, ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बताता हूँ। मान लो ये बिजनेस का नाम है आपको समझाने के लिए रामायण कंपनी, सो इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में ऐसा लिखना हेडिंग, फॉर्मेट बता रहा हूँ, फॉर्मेट मेन, लॉजिक समझ में आ गया क्यों डेबिट क्रेडिट होता है, लॉजिक समझ में आ गया। अब फॉर्मेट बता रहा हूँ, मान लो रामा एंड कंपनी के बुक्स में आप अकाउंटिंग कर रहे हो, इन द बुक्स ऑफ रामा एंड कंपनी, जो भी बिजनेस का नाम होगा एक्स वाई जेड, ये सुन। So, और हम लोग क्या कर रहे बेटा, जर्नल एंट्रीज, हम लोग क्या कर रहे जर्नल एंट्रीज। डोंट वरी, भरपूर प्रैक्टिस करने वाले हम लोग जर्नल एंट्रीज की, बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट देखो कैसे रहता है, चेस समझ लेना बेटा, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट देख लेना एक बार। प्लीज ध्यान दे देना बेटा, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट कैसे रहता है एक बार देख लो। ये रहेगा डेट का कॉलम,
ये रहेगा पर्टिकुलर्स, मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ। सर एग्ज़ाम में कैसे आंसर लिखना है इस फॉर्मेट में? सर फिर ये क्या था? ये आपके मन में चलता रहेगा, ये लॉजिक है। कौन सा अकाउंट बन रहा है? डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, यस और नो? ये आपके मन में चलेगा और ऐसा आप उतारोगे पेपर में। और एल ऑब्लिक एफ, अभी इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। लेजर फोलियो, एल ऑब्लिक एफ, लेजर फोलियो, लेजर फोलियो। फिर उसके बाद डेबिट अमाउंट, देन उसके बाद क्रेडिट अमाउंट, डन। ये फॉर्मेट, डेबिट वाली अमाउंट इस कॉलम में, क्रेडिट वाली इस कॉलम में, फॉर्मेट है। मेन एंट्री का लॉजिक समझ में आ गया? अब फॉर्मेट अच्छे से ध्यान देना सभी ने। चलो आ जाओ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो पहली एंट्री क्या थी अपनी? मान लो इसकी तारीख थी 1 अप्रैल 2021, आपको समझाने के लिए 1 अप्रैल 2021। चलो बोलो, इस एंट्री में डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ? पहली एंट्री में, पहली एंट्री में डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ बताओ तो ज़रा, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ बोलो। सॉरी हाँ, काढ़ा पीना पड़ता है बार बार पूरा। वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, कैश अकाउंट डेबिट हुआ। और क्रेडिट क्या हुआ? कैपिटल क्रेडिट हुआ। डेबिट क्या हुआ? डेबिट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट हुआ। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ पे, बरोबर है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। ये डॉट डॉट नहीं दिए तो भी चलेगा। क्रेडिट कौन सा हो रहा है? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। सो देखो नीचे यहाँ पे स्पेस देना थोड़ी, और उसके बाद लिखना टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, डेबिट क्रेडिट दोनों लिखा तो लॉजिक बताता हूँ, समझेगा नहीं। अगर पूरा एक साथ लिख दिया तो समझेगा नहीं देखने वाले को क्या डेबिट क्या क्रेडिट हो रहा है, इसीलिए स्पेस दे दिया है ना, और बस जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ बाइफर्केशन, और लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट। कैश बढ़ी किसकी वजह से या किसके लिए? कैश बढ़ी किसके लिए? टू कैपिटल। कैश बढ़ी किसके लिए? टू कैपिटल। जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ये नहीं समझा तो भी चलेगा, बट ये फॉर्मेट याद रखना। सो डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ? कैश अकाउंट। क्रेडिट क्या हुआ? कैपिटल अकाउंट, बरोबर है। क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, डेबिट लिख दिया तो अपने आप बचा हुआ अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। क्लियर हो गया, फॉर्मेट खत्म। अमाउंट लिख दो, कैश का डेबिट हुआ, कैश का अमाउंट कितना है 10,000, तो कैश डेबिट हुआ तो डेबिट कॉलम में लिख दूंगा 10,000, बरोबर है। कैपिटल क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट कॉलम में लिख दूंगा मैं 10,000 कैपिटल अकाउंट के सामने, कुछ था रहे इसमें। और यहाँ पे नरेशन क्या लिख रहा मैंने, क्या लिखना है मैंने, मुझे क्या लिखना है पे? नरेशन, नरेशन मतलब ट्रांजेक्शन जो हुआ उसका एक्सप्लेनेशन। नरेशन इज द शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। कल चल के भविष्य काल में जब आप ये जर्नल एंट्री बुक ओपन करोगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे क्या हुआ था, उसका विस्तार में लिख दो यहाँ पे। हाँ, बींग, बिजनेस स्टार्ट किया था ना हमने, बींग लिखना है, लिखना नहीं लिखा तो भी चलेगा, जस्ट अ ग्रामेटिक्स है ना, लिख दिया करो 11th 12th स्टैंडर्ड तक। सो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। और ये इतना पर्टिकुलर कॉलम क्लोज करना, क्योंकि आगे और एंट्रीज बची है ना, जिस समय आखिरी एंट्री रहेगी तब सारे कॉलम क्लोज कर देना, बरोबर है। आगे और भी एंट्रीज बची है, सिंपल। फॉर्मेट समझ में आया सभी को? सिंपल है क्या? ऐसा लिख पाओगे फॉर्मेट बेटा अभी? बरोबर है, पक्का सिंपल फॉर्मेट है? हाँ, वेरी गुड। चलो आगे, अब देखो बेटा अच्छे से ध्यान देना। दूसरे एंट्री में डेबिट क्या हुआ बताओ? दूसरे एंट्री में आपको समझाने के लिए समझ लो, ये 2 अप्रैल की एंट्री है ना। डेट अगर नहीं दिया तो इस कॉलम में नंबर लिख दिया तो भी चलेगा। 2 अप्रैल की एंट्री है, क्या डेबिट हुआ? डेबिट हुआ है मशीन अकाउंट। क्रेडिट हुआ है कैश अकाउंट।
डेबिट वाला पहले लिखना है, मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट, मशीन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ है। डेबिट में अमाउंट कितना आ जाएगा 4000, और क्रेडिट क्या हुआ है, क्रेडिट क्रेडिट कैश, सो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, क्रेडिट कॉलम में लिख दो 4000। हाँ, नरेशन क्या लिखना है, ट्रांजैक्शन क्या था, मशीन खरीदा था हमने, ट्रांजैक्शन क्या था, मशीन खरीदा था, बीइंग मशीन परचेज्ड, बीइंग मशीन परचेज्ड, मशीन खरीद लिया था। सिंपल है, पक्का समझ में आया कैसे लिखना है, फॉर्मेट समझ में आया क्या, लिख पाओगे पक्का। आज का होमवर्क, आज का पहला होमवर्क दे रहा हूँ, ये जो एंट्रीज आपने पिछले क्वेश्चन की लिखी वो आपने इस फॉर्मेट में लिखना है, वो जो एंट्रीज आपने लिखी है, वो जो एंट्रीज आपने लिखी है, वो जो एंट्री उधर की वो आपने इस फॉर्मेट में लिखना है, वो जो एंट्रीज लिखी है ये वाली, ये सारी एंट्रीज आपने इस फॉर्मेट में लिखना है, लिख पाओगे। चलो वेरी गुड सर, बहुत ही इजी पीजी था ये तो। हाँ बेटा, फॉर्मेट दूध पीते बच्चे का काम है, सबसे मेन दिक्कत क्या है मालूम है सर, ये जो नरेशन है ये ओन लैंग्वेज में लिखा तो चलेगा, हाँ ओन लैंग्वेज में लिखना है ना, इजी इंग्लिश में भी लिख दिया तो भी चलेगा। डन, चलो ओके, आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, नरेशन मैंने आपको ये फॉर्मेट बता दिया। लेजर फोलियो कॉलम में अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, कब एंट्री आएगी बाद में बताऊंगा, अभी ज़रूरत नहीं है लेजर फोलियो कॉलम की, अभी ज़रूरत नहीं है। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन के भरोसे हम लोग आगे बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। सर इस क्वेश्चन में आपने प्रॉफिट लॉस निकाला ही नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है, आगे देखेंगे, अभी प्रॉफिट लॉस नहीं निकालना है इसका, आगे देखेंगे, बराबर है। अभी हम लोगों को बस जर्नल एंट्री सीखना है, अभी हम लोगों को बस जर्नल एंट्री सीखना है। चलो आ जाओ, अब मैं एक 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 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सो ध्यान देना। लिखो एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स की बरसात, एग्जाम्पल्स की बरसात, तो उसमें पहला गुड्स परचेज गुड्स परचेज वर्थ रुपीस 1000। बोलो एंट्री क्या रहेगी इसकी। सबसे पहले तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी गुड्स से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन आएगा, जब भी गुड्स से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन आएगा, जब भी गुड्स से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन आएगा, तो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक अकाउंट बनने वाला है, या तो परचेज अकाउंट, या तो सेल्स अकाउंट, या तो परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न मतलब खरीदा हुआ माल वापस कर देना, या तो सेल्स रिटर्न अकाउंट। गुड्स का मतलब मालूम है सभी को, गुड्स का मतलब मालूम है सभी को, बोलो बेटा गुड्स का मतलब मालूम है, माल, जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं उसे मैं प्यार से क्या बोलूंगा, गुड्स, जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं उसे प्यार से क्या बोलूंगा, गुड्स, यस और नो, जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं उसे प्यार से क्या बोलने वाला हूं, गुड्स, क्लियर है ना। जैसे कंप्यूटर सेल्स सर्विस वाले के लिए गुड्स है पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, लैपटॉप्स, कंप्यूटर कॉर्ड्स, केबल, यूएसबी केबल है ना, वाईफाई डिवाइस, स्पीकर कंप्यूटर के, ये सब उसके लिए गुड्स है। ज्वेलरी शॉप वाले के लिए ज्वेलरी, गोल्ड सिल्वर मोती वोती की ज्वेलरी, डायमंड की ज्वेलरी, ये उसके लिए गुड्स है।
तो गुड्स में यानी जिस चीज़ में मैं डील कर रहा हूँ। सो गुड्स परचेस वर्थ रुपीज 1000। और आगे लिखा है आपको समझाने के लिए, आगे लिखा है आपको समझाने के लिए फॉर कैश। बोलो अब गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक अकाउंट बनेगा। काम की चीज बता रहा हूँ ध्यान रखना, काम की चीज बता रहा हूँ ध्यान रखना, बरोबर। बोलो बेटा अब माल खरीदा है कि बेचा है? खरीदा है तो कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेज अकाउंट। बेचा रहता तो सेल्स अकाउंट, खरीदा हुआ माल वापस किया रहता तो परचेस रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आया रहता मेरे पास, मैंने सेल किया था भूतकाल में वापस आ गया, कस्टमर ने मेरे मुंह पे माल लाके मार दिया, सेल्स रिटर्न। मैंने खरीदा हुआ माल मैंने वापस कर दिया दुकानदार को, परचेस रिटर्न। मैंने माल खरीदा परचेस, मैंने माल बेचा सेल्स। तो यहाँ पे माल खरीदा कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? एक तो बनेगा परचेस अकाउंट, वही अपने फॉर्मेट में आंसर लिख रहा हूँ मैं, 1 2 3 तीन स्टेप वाला जो था, परचेस अकाउंट। दूसरा बनेगा फॉर कैश, नगद में खरीद लिया, एक तो बनेगा परचेस, एक तो बनेगा कैश। परचेस मतलब ये गुड्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, गुड्स परचेस अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परचेस भी लिखा तो भी चलेगा। एक बनेगा कैश अकाउंट, परचेस ये माल है, माल असेट, असेट का डेबिट बैलेंस, परचेस का डेबिट बैलेंस, परचेस का डेबिट बैलेंस। ध्यान देना हम लोग जो अलग तरीके से पढ़ रहे हैं ना अकाउंटिंग, कहीं देखने नहीं मिलेगी, बिल्कुल एकदम लॉजिकल वे में हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। आगे बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, अभी तक हमने टेक्स्ट बुक स्टार्ट नहीं किया है। डेबिट बैलेंस का रूल क्या है? बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। अब बताओ माल खरीदे तो परचेस बढ़ता कि कम होता रहे? जैसे जैसे माल खरीदेंगे वैसे वैसे परचेस बढ़ेगा ना। और माल खरीदा और परचेस बढ़ गया, और माल खरीदा और परचेस बढ़ गया, और माल खरीदा और परचेस बढ़ गया। सो माल खरीदा है तो परचेस तो इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इसीलिए परचेस अकाउंट को डेबिट करो। कैश ये क्या है? कैश असेट है, ड्रॉइंग है, डेटर्स है, एक्सपेंस लॉसेज लाइबिलिटी कैपेबिलिटी रिटर्न इनकम गेन। कैश ये क्या है? असेट, असेट का अगेन डेबिट बैलेंस, देयरफॉर कैश का भी डेबिट बैलेंस। कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कैश कम हुआ तो क्रेडिट करो। अब यहाँ पे माल खरीदा पैसे दे दिए, कैश कम हो रही है हमारे जेब से, सो कैश को क्रेडिट करो। अगला ट्रांजेक्शन, अच्छा इसका फॉर्मेट में आंसर कैसे लिखोगे आप? फॉर्मेट में आंसर कैसे लिखोगे? परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश। फॉर्मेट मालूम है ना सभी को? क्लियर? यस और नो? वेरी गुड बेटा दर्शन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, गुड्स परचेज वर्थ रुपीज 1000। बोलो बेटा क्या एंट्री रहेगा? सर दोनों सेम ही है पहला और दूसरा? नो, ट्रांजेक्शन आपको दिख रहा है सेम है, वर्डिंग्स का फर्क है। ऊपर वाले में साफ साफ शब्दों में बोल दिया था कैश में माल खरीदा, नीचे बस इतना ही बोला है गुड्स परचेस वर्थ रुपीज 1000। तो अब बताओ यहाँ पे कैश दिया होगा कि नहीं दिया होगा? जब कभी भी ट्रांजेक्शन में कैश के बारे में कुछ बोला नहीं है और पार्टी का नाम भी दिया नहीं है, किससे माल खरीदा उसका नाम दिया हुआ है? पार्टी का नाम दिया हुआ है? किससे माल खरीदा उसका नाम दिया हुआ है? नहीं। पार्टी का नाम, जिससे माल खरीदा उसका नाम यानी पार्टी का नाम दिया हुआ है? नहीं। कैश के बारे में बोला है? नहीं। कुछ नहीं बोला है तो हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे, हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि कैश ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है। अगेन सेम एंट्री आ जाएगी क्या? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सेम है, सेम है। लिखने की जरूरत है फिर से? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो बेटा, एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट। पक्की बात? डन, चलो आगे। ओके।
ओके चल आगे बढ़ रहो बेटा, प्लीज ध्यान देना अच्छे से, प्लीज ध्यान देना। आज आज अच्छा, उसके बाद फिर से एक और ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज वर्थ रुपीज 1000 फ्रॉम बाहुबली फॉर कैश रुप, बोलो बेटा, गुड्स परचेज फ्रॉम बाहुबली वर्थ रुपीज 1000 फॉर कैश, बोलो। हाँ एनी बडी, सर आपने बोला था पार्टी का नाम दिया हुआ है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, वेट मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने क्या बोला था, अगर कैश के बारे में कुछ नहीं बोला है और पार्टी का नाम दिया हुआ है तो हम लोग सोचेंगे उधारी है, बराबर। लेकिन यहां साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, वापस एक बार बताता हूं, साफ साफ शब्दों में लिखा है कि नकदी में माल खरीदा, सेम एंट्री परचेस टू कैश, सेम एंट्री। सर फिर यहां पे बाहुबली का अकाउंट नहीं बनेगा क्या? परचेस अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा, परचेस का डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है डेबिट करो, कम हुआ है क्रेडिट, परचेस किया तो माल बढ़ रहा है, कैश ये असेट है इसका भी डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ती है तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट, कैश कम हो गई क्रेडिट कर दो। सर तीनों एंट्री तो सेम है, ऊपर ऊपर आपने जो लिखा। हाँ सर यहाँ बाहुबली अकाउंट नहीं बनेगा, नहीं सर क्यों नहीं बनेगा, मुझे एक बात बता, ये बाहुबली है और ये हम है, हमने इससे माल ले लिया, हमने इससे माल ले लिया, बदले में पैसे दे दिए, अब बता मेरा और बाहुबली का लेना देना पेंडिंग है क्या, मेरा और बाहुबली का लेना या देना पेंडिंग है क्या, मेरा या बाहुबली का लेना देना पेंडिंग है क्या, बोलो यस और नो। माल लिया पैसे दिए, माल लिया पैसे मुंह पे मारे, माल लिया पैसे मुंह पे मारे, बोलो लेना देना पेंडिंग है नो। जब भी किसी पार्ट या पर्सन के साथ, सेंटेंस में बहुत गहराई है अच्छे से सुनना, जब भी किसी पार्ट या पर्सन के साथ मनी और मनी इज वर्थ में अगर लेन देन पेंडिंग है तो ही उस पार्टी का अकाउंट बनेगा, अदरवाइज उस पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा। जब भी किसी पार्टी या पर्सन के साथ मनी और मनी इज वर्थ में अगर लेन देन पेंडिंग है तो ही उस पार्टी का अकाउंट बनेगा, अदरवाइज उस पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा। वापस बोलो, अगर किसी पार्टी या पर्सन के साथ मनी और मनी इज वर्थ में लेना या देना, लेना या देना अगर पेंडिंग है तो ही पार्टी का अकाउंट बनेगा। बाहुबली से मैंने माल लिया बदले में पैसे दे दिए, बोलो लेन देन पेंडिंग है, बाहुबली से माल ले लिया बदले में पैसे दे दिए, बोलो लेना देना पेंडिंग है क्या? नो, लेन देन पेंडिंग नहीं है, लेन देन पेंडिंग नहीं है। जब लेन देन पेंडिंग ही नहीं है तो काहे का बाहुबली का अकाउंट? ये तो ऐसी बात होगी, मैं सुबह सुबह नींद में से उठा, किराना दुकान पे गया, दूध का पैकेट लिया और उसको पैसे दे दिए और वो मुझे पूछ रहा है, भैया रुको आपका नाम क्या है, मुझे आपका अकाउंट बनाना है, दो कान के नीचे दूंगा उसको। मैं बोलूंगा भैया काहे का अकाउंट बना रहा है रे मेरा, हाँ तेरे को तेरा पैसा दे दिया, मैंने मेरा सामान ले लिया, तेरे को तेरा पैसा दे दिया, लेन देन बाकी है क्या अपने बीच में, फिर काहे अकाउंट बना रहा है, फिर काहे तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर में मेरा नाम लिख रहा है? यस और नो, कुछ बात समझ आई क्या? जब भी किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की वजह से मनी और मनी इज वर्थ में किसी पार्टी के साथ अगर लेन देन पेंडिंग है तो ही पार्टी का अकाउंट बनेगा। क्लियर? कुछ बात समझ आई आपको यहां तक? एनी बडी एनी काइंड ऑफ डाउट? पक्का डन? क्लियर? ओके चल, ओके दे। इतना कह के मैं मेरे आज के दो शब्द समाप्त करता हूँ, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।